बड़ी खबर मिल रही है, सपा सांसद आजम खान मामलों की हाई कोर्ट में सुनवाई टली है। अब 27 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 13 मामलों में अग्रिम जमानत पर दाखिल की थी याचिका, इसके तौर पर आज सुनवाई की डेट टल चुकी है। 27 नवंबर को अगली डेट मिली है आजम खान को। आजम खान के खिलाफ रामपुर में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। रामपुर की जिला अदालत खारिज कर चुकी है अर्जी। अब हाई कोर्ट में मामला, जहां पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कुल मिलाकर आगे की तारीख दे दी गई है आजम खान को। 27 नवंबर होगी अगली तारीख, जहां पर 13 मामलों में अग्रिम जमानत पर याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुनवाई आज की डेट के बजाय अगली डेट मिली है, जहां 27 नवंबर को सुनवाई होगी। सपा सांसद आजम खान के खिलाफ, आपको बताया, रामपुर में कई मामले दर्ज हैं, लंबी फहरिस्त है, जिसमें बहरहाल आज की बात करें तो 13 मामलों पर अग्रिम जमानत की याचिका थी। आजम खान के खिलाफ रामपुर में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। रामपुर की जिला अदालत खारिज कर चुकी है अर्जी। अब हाई कोर्ट में मामला, जहां पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कुल मिलाकर आगे की तारीख दे दी गई है आजम खान को। 27 नवंबर होगी अगली तारीख, जहां पर 13 मामलों में अग्रिम जमानत पर याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुनवाई आज की डेट के बजाय अगली डेट मिली है, जहां 27 नवंबर को सुनवाई होगी। सपा सांसद आजम खान के खिलाफ, आपको बताया, रामपुर में कई मामले दर्ज हैं, लंबी फहरिस्त है, जिसमें बहरहाल आज की बात करें तो 13 मामलों पर अग्रिम जमानत की याचिका थी। आजम खान के खिलाफ रामपुर में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। रामपुर की जिला अदालत खारिज कर चुकी है अर्जी। अब हाई कोर्ट में मामला, जहां पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कुल मिलाकर आगे की तारीख दे दी गई है आजम खान को। 27 नवंबर होगी अगली तारीख, जहां पर 13 मामलों में अग्रिम जमानत पर याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुनवाई आज की डेट के बजाय अगली डेट मिली है, जहां 27 नवंबर को सुनवाई होगी। सपा सांसद आजम खान के खिलाफ, आपको बताया, रामपुर में कई मामले दर्ज हैं, लंबी फहरिस्त है, जिसमें बहरहाल आज की बात करें तो 13 मामलों पर अग्रिम जमानत की याचिका थी। 1 पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।